हाय गाइस, वेलकम बैक। तो मैं हूं उमेर, आज प्रॉपर इंट्रोडक्शन दूंगा। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेकमेट्स और आज की वीडियो आपको बताऊंगा चार्जिंग से रिलेटेड दिक्कतों के बारे में। गाइस, दुनिया में बहुत दिक्कतें फैल रही हैं, चाहे वो टेररिज्म हो, झूठ हो, फसाद हो, हर चीज़ आज दुनिया में फैल रही है। लेकिन आज चार्जिंग से रिलेटेड दिक्कतों के बारे में आपको बताऊंगा। बहुत सी दिक्कतें हैं, यानी मिथ्स हैं जो हम सोचते हैं यार ऐसा होगा चार्जिंग से रिलेटेड, पर ऐसा नहीं होता। तो उन दिक्कतों को दूर करेगा आज तुम्हारा भाई। तो गाइस, देखते रहना वीडियो आगे तक। सो लेट्स स्टार्ट। आई हैव यू तो गाइस, रिसेंट टाइम में आपने देखा होगा कि चार्जिंग से रिलेटेड एक अलग ही रेस चल रही है, अलग ही मोबाइल फोन्स कंपनी से घोड़े दौड़ रहे हैं कि यार कौन कितनी तेज चार्जिंग कर सकता है। अगर तुम रिसेंट का रियलमी X2 Pro देख लो, तो फोन का नाम मुझे सही नहीं पता, शायद मैंने सही नाम लिया है, तो यार उसमें वो तुम्हें 0 से 30 मिनट में 100% चार्ज करके देगा। तो यार अगर तुम ये श्लोक भाई की वीडियो देख रहे हो टेक बर्नर की, तो उन्होंने खुद यार दिखाया था करते हुए, तो पॉइंट्स चार्जिंग के इंक्रीज़ हो रहे थे गाइस। तो यार वो देखने में अलग ही खुशहाली पैदा होती है दिल में, दिमाग में, तो ऐसा लगता है कि यार भाई कुछ हो रहा है हमारे सामने, क्योंकि वो पॉइंट्स खुद ब खुद इंक्रीज़ होते हैं यार, तो मतलब बहुत मज़ा सा आ जाता है देख के। तो इसी तरह यार गाइस, हर चीज़ का एक चार्जिंग की तुम देखो, चार्जर्स कितने ख़तरनाक आ गए। 0.5 वोल्ट के चार्जर से शुरू हुआ था, अब 18 वाट का चार्जर आ गया है, 9 वाट का, 60 वाट, 90 वाट तक का शायद चार्जर आ चुका है। तो क्या दिक्कत बढ़ जाएगी, इतना बड़ा चार्जर अगर मैं अपने फ़ोन में लगा दूं क्या वो फट जाएगा? क्या हमें चार्जर दूसरे मोबाइल से यूज़ करना चाहिए? क्या हमें चार्जिंग 100% ज़्यादा करना चाहिए? तो क्या ये दिक्कत वाले क्वेश्चन है, तो इन दिक्कत को हम दूर करेंगे। तो गाइस, पहली दिक्कत जो है वो अब सीरियस रिलेटेड बात बताऊं मैं आपको। तो चार्जिंग हम अपने फ़ोन को 100 पे कर रहे हैं, 100 से ज़्यादा करें या नहीं, यानी चार्जर को लगे रहने उसमें 100 होने के बाद भी। तो गाइस, ये बेसिकली मोमेंट जब आता है आपकी लाइफ में, जब आप सो रहे हो, क्योंकि आप चार्जिंग पे ला के सो जाते हैं, तो आप सोचते हैं कि यार 100 हो जाएगा, फिर मेरा मोबाइल फट जाएगा। तो अगर आप स्मार्टफोन पर जाएं, तो स्मार्टफोन में होता है स्मार्ट और वर्ड होता है फ़ोन। तो फ़ोन तो आप सब समझते हो, फ़ोन ट्रेन ट्रेन वाला, लेकिन स्मार्ट गाइस, स्मार्ट को इंसान को पता होता है कि मुझे अगली बार क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए स्मार्टफोन भी इतने स्मार्ट हैं कि उनको पता होता है कि यार अब चार्जिंग 100 हो गई है, हमें आगे चार्ज नहीं करना है। तो गाइस, यही असली सच्चाई है, असली सच्चाई यही है कि स्मार्टफोन्स 100 के बाद चार्ज नहीं होते, क्योंकि स्मार्टफोन्स में होती हैं जो मॉडर्न टाइप्स की बैटरी, यानी लिथियम पॉलीमर बैटरीज में बहुत ज़्यादा मॉडर्न स्मार्टफोन में दिखेंगी। और बेसिकली ये स्मार्टफोन्स में क्या होती हैं, लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, तो ये बैटरीज 100 के बाद खुद ही चार्ज नहीं होती, ठीक है ना। अब दिक्कत कहाँ आती है, ये लॉन्ग रन में तुम्हारे लिए बैटरी के लिए ख़राब होता है, क्योंकि तुम्हारा फ़ोन जब तुम लगा के सो जाते हो, तो वो कनेक्टेड होता है किसी नेटवर्क से, या वो जियो होगा, वोडाफोन होगा, वट एवर यू आर यूजिंग, तो उस पर डिपेंड करेगा वो, ठीक है ना गाइस। तो दिक्कत जब आती है, जब तुम्हारा फ़ोन 99% पे आ जाएगा, क्योंकि वो नेटवर्क से कनेक्टेड है, नेटवर्क कंज्यूम कर रहा है, ठीक है ना। तो कनेक्टेड रहने में भी थोड़ी बैटरी लगी, जैसे ही 99 पे आता है तुम्हारा फ़ोन उसको फिर से 100 कर देता है, जैसे ही 99 पे होता है फ़ोन 100 कर देता है, 99 100, ऐसा चलता रहता है। तो उससे क्या होता है, तुम्हारी बैटरी रहती है बहुत ज़्यादा टेंशन में और हाई स्ट्रेस में रहती है, इससे क्या होता है कि तुम्हारी बैटरी लॉन्ग रन में थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी। तो इसलिए लोग कहते हैं कि यार 100 के बाद चार्ज मत करो, वरना कोई दिक्कत नहीं है ऐसी कि फट जाएगा और ऐसा कुछ हो जाएगा। तो गाइस, शपथ लेते हैं हम, ऑल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ इंडिया आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्लेज में भूल गए हूँ गाइस, लेकिन आप जानते हैं कि आप मेरे भाई बहन हैं। तो इस चीज़ को फॉलो करिए, वीडियो को शेयर कर देना यार, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। उम्मीद है तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। ये मैं चौथी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, क्योंकि 3 बार में लफड़े हो गए थे, तो यार शेयर कर देना तो अच्छा रहेगा, मोटिवेशन मिल जाएगी। तो गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि ऐसी मज़ेदार कमाल सच्चाई को पता लगाने वाली वीडियो